नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में। जैसे कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई वीडियो हिंदी में बनाऊं, तो आज मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो की शुरुआत हिंदी में करती हूं। अगर मुझसे लैंग्वेज में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आशा करती हूं सबको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, तो आज तक मैंने कोई भी वीडियो बिना मेरे एक्सपीरियंस के उस टॉपिक के ऊपर नहीं बनाया है। तो डेफिनेटली आज का भी ये टॉपिक मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर आज वीडियो बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ब्लैक मैजिक या काला जादू क्या है? तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है। जितना आपको जानकारी है उतनी ही जानकारी मुझे भी है, लेकिन जब मेरे जीवन में इसका इम्पैक्ट हुआ तो मुझे थोड़ा एडिशनल नॉलेज हुआ। बात है जब मैं हाई सेकेंडरी में पढ़ती थी तब की। तो मैं पढ़ाई में ठीक थी, अबव एवरेज थी। मैं पढ़ाई नहीं करती थी, हालांकि एग्ज़ाम के पहले दिन एक रात पढ़ के मुझे फर्स्ट डिवीज़न आ जाते थे। मैं मेहनत कम करती थी और मेरे फादर का ये मानना था कि मेरे पास दिमाग तो है पर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जो भी मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो उस टाइम पे हायर सेकेंडरी में मुझे एक बैकलॉग आ गया एक पेपर में। उस टाइम पे मैं अपने आप को अकेले रखती थी 8-10 महीना, मतलब बैकलॉग मिलने के पहले से ही। तो मेरे बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजेस थी। मैं अकेला रहना पसंद करती थी, एक रूम में बैठना पसंद करती थी। घंटों मैं एक पॉइंट को देख के बैठ जाती थी। मुझे भी नहीं पता मैं क्या सोचा करती थी, बट मुझे दुनिया से अलग रहना, मतलब फैमिली मेम्बर से भी अलग रहना अचानक से पसंद आने लग गया। पसंद भी नहीं कहूँगी, आई वॉज़ नॉट एन्जॉइंग इट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे लगता यही नॉर्मल लाइफ है। तो अचानक से ये बिहेवियर चेंज हुआ। फिर मैं फैमिली मेम्बर्स के बातों में चिढ़ जाती थी। तो अचानक से जो भी कुछ अच्छा भी बोला जाए या बुरा भी बोला जाए तो मैं उसका, मुझे चिढ़ होती थी, मुझे इरिटेट होता था फैमिली मेम्बर से। अगर अच्छा भी बोले कि खाना खा लो, उसमें भी मुझे चिढ़ होती थी। तो ऐसा मेरे बिहेवियर में चेंजेस थे। तो बैकलॉग आने के बाद में मेरे फादर को थोड़ा सा डाउट हुआ कि एक तो इसका बिहेवियर चेंज था, इतने महीनों से कहीं ये जाती नहीं थी, मिलती नहीं थी किसी से, और अभी ये इतनी एफर्टलेस तो है नहीं कि इसका बैकलॉग आ जाए। तो उनको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की, शायद किसी से पूछा होगा या ऐसे कुछ गुरुओं से मिले होंगे। वो स्पिरिचुअल है, मेरी फुल फैमिली स्पिरिचुअल है। फिर उनको एक गुरु मिले, मतलब महाराज जी मिले। तो महाराज जी ने बताया कि आपकी बेटी के ऊपर तो काला जादू किया हुआ है, जो थोड़ा सा एबनॉर्मल था मेरे फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए। बट जो उसके साथ जो सपोर्टिंग उन्होंने एविडेंसेस दिए वो बहुत पुख्ता थे। तो उन्होंने मेरे फादर को बताया कि उसको पानी में कुछ मिलाकर पिलाया गया है एंड उससे रिटर्न गिफ्ट भी लिया गया है। वो जो काला जादू है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट भी दिया गया है। तो मुझे तो, मैं तो हर बात से चिढ़ जाती थी, तो मुझे ये नहीं बताया गया कि क्या है नहीं है। जब कुछ दिनों के बाद में मुझे उन महाराज जी के पास में ले जाया गया, तो फिर मैं गई और फिर कुछ तो सॉल्यूशंस थे जो इमीडिएट 10 दिन या 5 दिन के लिए कुछ मंत्र या ब्लेसिंग्स होते हैं जो टेम्पररी वर्क करते हैं। फिर कुछ पूरा रात हवन पूजा करके ताबीज़ होता है जो आपको परमानेंटली किसी दिन में पहनना पड़ता है, तो वो परमानेंट होता है। तो ऐसा हुआ। फिर वो महाराज जी की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा सॉल्यूशन एक ही बार में कर दिया, मुझे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ दिन का प्रोसेस था जो मुझे कुछ खाने थे, कुछ पहनने थे, उनके आशीर्वाद लेना था। तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें विद इन 1 मंथ नॉर्मल हो गई। तो
बाद में मुझे बताया गया कि वो महाराज जी ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें पानी में कुछ मिला के पिलाया गया है और तुमने रिटर्न गिफ्ट दिया है। तो मैं अकेले बैठ के सोचने लगी कि ये हुआ कैसे, कब हुआ, किसने किया। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक हम लोग फ्रेंड्स 9-10 फ्रेंड्स उस टाइम पे हायर सेकेंडरी के, हम लोग एक और एक फ्रेंड के घर में खाना खाने के लिए बुलाया था, हमको लंच के लिए बुलाया था। तो हम गए थे लंच करने, तो उस टाइम पे जो डाइनिंग टेबल था उसमें सब लड़के लड़कियां बैठी हुई थी, सबको पानी सर्व किया गया, उनके मेड्स ने, हाउस हेल्प ने पानी सर्व किया, खाना सर्व किया। तो मुझे जो पानी लेट से आया कांच के ग्लास में, और वो आंटी ने मुझे दिया कि कहा कि मतलब ये तुम्हारा पानी है। तो मुझे पानी ना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखा, पानी मुझे क्रीमिश येलो कलर का दिखा। तो मुझे शक हुआ कि ये गंदा पानी है या क्या दे दिया। तो मैंने आंटी को पूछा ये पानी मुझे अलग से क्यों दिया और ये गंदा है शायद से। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको तो बॉयल पानी, तुम तो बॉयल पानी पीती हो, तुम्हारे लिए बॉयल पानी है, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि बॉयल पानी भी कलर चेंज ऐसे नहीं होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो कुछ तो मिलाया हुआ था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है, मुझे ध्यान तो था, लेकिन ना उस टाइम पे मुझे लोगों को टोकने में या उनको कुछ ज़्यादा सवाल करने में मुझे शर्म आती थी, और मुझे लगता था कि वो बुरा मान जाएंगे, वो डिसरेस्पेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बहस नहीं करती थी। और मैं अपने भगवान को हमेशा ही ट्रस्ट करती हूँ, मुझे लगता था कि मेरे साथ भगवान कुछ बुरा होने नहीं देगा, ये मेरा ट्रस्ट। इवन मैं स्कूल में जब 2-3 में थी तब से ही था, तब से ही मैं राधा से बात करती थी, कृष्ण से बात करती थी, मतलब आइडल से, मूर्तियों से, तो ऐसा था। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा तब मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। मैं ट्रस्ट करती थी लोगों के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कभी भी किसी के साथ कर सकते हो। सो ट्रस्ट मेरा ब्रेक हुआ। तो रिटर्न गिफ्ट की बात आई, वो तो मैंने पानी पी लिया खाते टाइम पे। फिर रिटर्न गिफ्ट की जो बात आई वो इससे आई, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 4 pieces ऑफ फ़िश करी में 4 pieces फ़िश दिए थे। तो ऑब्वियस है कि कोई भी बच्चा 4 pieces कैसे खा सकता है इतना ज़्यादा, जबकि दूसरों को 2-2 या 1-1 piece दिए गए थे। तो मैंने उन आंटी को कहा कि आपने मुझे ज़्यादा पीसेस दिए हैं। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से तभी इमीडिएट रिप्लाई कर दिया कि तुम रिटर्न कर दो जितना तुम्हें नहीं खाना है। तो मैंने 2 पीस रिटर्न कर दिए उनको, तो ऐसे हो गया कि रिटर्न गिफ्ट, फिर वो काला जादू ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और दूसरी बात अचंभे वाली ये है कि मेरे साथ जो हुआ, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर काला जादू किया, ये सिर्फ मुझे ही पता नहीं था, मुझे तो बाद में रियलाइज़ हुआ, ये महाराज जी को कैसे पता चला, मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था, इवन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, तो ये महाराज जी को कैसे पता चला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे महाराज जी मेरे जीवन में आए जो उस टाइम पर मेरा जीवन सुधार सके। मतलब उनसे मैं दोबारा कभी होल लाइफ मिली नहीं, शायद वो इस दुनिया में है नहीं अभी, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत एजेड थे। आपको पता नहीं होता है कि कौन कब फरिश्ता आपके आपका हेल्प कर जाए और उस वो एक आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। तो ऐसे लोग करते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ये दुनिया ड्वेलिटी है, मतलब जहाँ अंधेरा है तो उजाला है, बुरा है तो अच्छा है। तो दुनिया पहले भी ऐसी ही थी, ड्वेलिटी था, है और रहेगा, भगवान ने ऐसे ही क्रिएट किया है, और हमारा काम है कि हमें उस इक्विलिब्रियम तक आना है, मतलब ज़ीरो तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब अच्छा हो जाएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप अच्छे कर्म करते हो और बुरे कुछ भी कर्म आपके लिए आपके बाकी नहीं है, तो भी आपको जन्म लेना पड़ता है उन अच्छे कर्मों के फल को भोगने के लिए। तो इक्विलिब्रियम में आना है, मतलब वो जो शून्य से जो पैदा हुआ है हमको शून्य में आना है। हमें अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स को बैलेंस करना है, तो बुराई रहेगी अच्छाई भी रहेगी। तो स्पिरिचुअलिटी जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो क्यों करना शुरू किया, क्योंकि मुझे अंधेरा दिख रहा था इसलिए करना शुरू किया। तो स्पिरिचुअलिटी की भी जो बेस है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं
कुछ कोई प्रॉब्लम में है, कुछ बुरा चल रहा है, डार्क एनर्जीज हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जीज में घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। हम जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे, एंजॉय करेंगे और दूसरों को भी कुछ सहायता पहुंचा सकते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं है, ये मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको काला जादू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट है तो इस चीज़ का क्यों नहीं है, इसका भी है, लेकिन प्रॉब्लम चैलेंजेस इसमें आते हैं कि आप सही गुरु, सही महाराज, सही सॉल्यूशन करता कैसे ढूंढे। मेरा जजमेंट ये कहता है कि एक तो पहले आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा सॉल्यूशन करता मिले। यूजुअली ये लोग दुर्गा और काली के साधक होते हैं, वही मुझे जितना नॉलेज है वही सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है जो काला जादू को काट सकती है। ऐसे किसी गुरु को, महाराज जी को, साधक को चूज़ कीजिए जो आपको इस डायरेक्शन में हेल्प करे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेट होने चाहिए, आपका केयर करने वाले होने चाहिए, क्योंकि जिसको ऊपर होता है उसको पता नहीं चलता है, सिर्फ बाजू वाले फैमिली मेंबर्स को पता चलता है, तो उनको रियलाइजेशन होती है, वो ऑब्जर्व करते हैं आपको, तो वही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके फैमिली मेंबर्स का ऑब्जर्वेटिव होना बहुत ज़रूरी है। उनका मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव एंड बहुत ऑब्जर्वेटिव थी, जिन्होंने मेरे इस बिहेवियर चेंज को पकड़ा। कोई इग्नोर कर देते हैं तो शायद से कभी पकड़ में नहीं आता, और मैं हमेशा होल लाइफ ही उसी पीरियड में उसी लो एनर्जी में जीती। कुछ कुछ लोगों के साथ तो ये चीज़ अगर सही टाइम में पकड़ में ना आए तो 5 साल, 10 साल, इवन डेथ हो जाती है, और वो उसी खाला जादू के अंदर ही उनकी पूरा लाइफ गुजर जाता है, तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर से उनको वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। मतलब सेम स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स रहती है, पता नहीं चलता है, दिमाग अपने अंदर नहीं रहता है, हमारा मेंटल दिमाग अपने अंदर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा है अपना दिमाग, तो उस टाइम पे आप खुद अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ से निकाल सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी महाराज जी मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उनको पहचाने कैसे। एक तो सबसे पहली बड़ी बात होती है कि आप अपने सिद्धांत को, जो आपको मैच करने वाले, जो आपके प्रिंसिपल्स, थिंकिंग प्रिंसिपल्स को मैच करने वाले अगर जितने आपको मिलते हैं ऐसे साधक, उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर उनमें से कैसे डिसाइड करें कि ये सही पर्सन है करके। मतलब आपके पैसे लेके आपको सॉल्यूशन देने का वादा करते हैं बट ऐसा होता नहीं है, मतलब आपका सॉल्यूशन मिलता नहीं है आपको। तो सबसे पहली बात है कि आपको आदमी पहचानना आता है या नहीं। अगर आपको नॉर्मल लाइफ में आदमी पहचानना नहीं आता है तो सीख लीजिए, वही सेम रूल ऐसे रिसोर्स, ऐसे हेल्पर्स को भी पहचानने में अप्लाई होता है। आपको पहचानना आना चाहिए कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन मेरा बुरा चाहता है, कौन अच्छा चाहता है, कौन मीठी बोल बोलता है लेकिन अंदर में काला है। तो अगर आपको वो चीज़ अगर लाइफ में आती है तो आपको ऐसे हेल्पर्स भी आसानी से शॉर्टलिस्ट करना आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि हम आपका काला जादू निकाल देंगे और जिसने किया उसके ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस कभी मत लीजिए। जो उन्होंने किया उनका कर्म, और हम अपना कर्म नहीं बढ़ा सकते हैं दोबारा कुछ बुरा कर्म करके। शायद जिसके साथ होता है या मेरे साथ हुआ, तो मेरे भी कुछ ख़राब कर्म रहे होंगे जिसलिए मुझे ये भुगतना पड़ा कुछ महीनों तक, सालों तक। तो जो भी है इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन आप वैसे सॉल्यूशंस कभी मत लीजिए, लोगों का बुरा कभी मत कीजिए। हमें प्यार बांटना है और फॉरगिव करना है लोगों को, जो उन्होंने किया उनका कर्म। जो अगर आपको अपना लाइफ सुधारना है तो आप अपने कर्म संभालें। और एक बात,
थिंकिंग इज ऑल्सो कर्मा. तो थिंकिंग, अगर आप सोचते हो कि मैंने कोई बुरा एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन आपने मन में उस आदमी के बारे में बुरा सोचा, तो इसका फल तो आपके मिलने वाला है, क्योंकि थॉट्स आर ऑल्सो कर्मास. गुड थॉट्स विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, बैड थॉट्स विल गिव यू बैड रिजल्ट्स इन योर लाइफ फिजिकल फॉर्म में. फिर आप सोचोगे, अरे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, क्योंकि आपकी सोच खराब थी. जजमेंट मत कीजिए, जो जैसा है उनको रहने दीजिए, वो अपना लाइफ का जर्नी अपने स्पीड में कर रहे हैं, आप अपना देखिए. तो ये सॉल्यूशन मिलने के बाद आती है टॉपिक कि इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशंस अवेलेबल है. आपका सिर्फ लक होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए कि आपको सॉल्यूशंस मिले. इन जनरल अपने लाइफ की भी बात करते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ जो मेरे साथ हुआ, तब मैं शायद से लो एनर्जी में थी, इसलिए किसी ने कोई मेरे ऊपर ऐसा कर सका. अभी लास्ट 15 ईयर्स से मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, जिसमें मुझे दुर्गा काली दुर्गा सप्तशती ये सब पाठ करना पड़ता है, सुबह शाम करना पड़ता है, 108 मालाएं जप करनी पड़ती है. तो अभी उस वजह से आजकल मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे कोई बुरा आँख जो बोलते हैं बैड आइज, वो लगती नहीं है, मुझे कोई काला जादू मेरे ऊपर लगता नहीं है. तो मेरा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मैं इंक्रीज़ हाई स्टेट में रखती हूँ. ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको साधना डेली करनी पड़ती है. मेरा लाइफ लास्ट 15 इयर्स में बहुत चेंज हुआ है. मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, तो जब से मैंने गुरु लिया है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा और भी मैं मेडिटेशंस एक्सप्लोर करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये एक जर्नी रही है बेसिकली. तो अभी मुझे ये सब बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है. कि और सच बात यह है कि आपको हर गली घर में आपको जेलस होने वाले लोग, आपके ऊपर नज़र बैड ख़राब नज़र रख देने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे. तो क्या इसका मतलब है मैं अफेक्ट होती हूँ? मैं अफेक्टेड नहीं होती हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि मैंने अपना एक ऑरा शील्ड बनाया हुआ है जो मेहनत करना पड़ता है, ऐसे सोचने से नहीं बनता है. सुबह शाम आपको टाइम देना पड़ता है, एक एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम को, और जब भी छुट्टी मिलती है तो चार चार पाँच पाँच घंटा आपको साधना करना पड़ता है. तो ये सिर्फ ये जो स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ आपको सिर्फ अपने आप को गार्ड करने के लिए नहीं, खुशी के लिए भी. खुशी कैसे? जैसे कि आपको लोग लोनली हो जाते हैं भीड़ में, क्राउड में, पार्टी में, उनको लोनलीनेस फील होता है, राइट? ऐसा होता है बहुतों के साथ में. ये या एक सैडनेस का पार्ट मान लीजिए या डिप्रेशन का पार्ट मान लीजिए, ऐसा होता है. तो स्पिरिचुअलिटी आप कुछ भी वेज कीजिए, मतलब मेरे बताए हुए सिर्फ रास्तों पे नहीं चलना है आपको. आपको जो आपका दिल कहता है, जो आपको इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बताएगा आपको कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस तरीके से आपको वो तरीका चूज़ करके आपको ये जो भीड़ में भी हम अलोन फील करते हैं ना, ये चला जाता है. ये चला जा के उल्टा आप और हज़ार लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो. आपको अकेले रह के भी आपको इतनी खुशी मिलेगी अगर आप हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहते हो. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. जब आप डिपेंडेंट रहेंगे तो ही आपको दुख मिलेगा. आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए. मैं फिज़िकल काम की बात नहीं कर रही हूँ. काम तो हमेशा रिलेटिवली चलता है, मतलब एक काम कोई करके देगा तो आप वो काम लोगे, फिर आगे पास करोगे. मैं इमोशनल और दिल की बात कर रही हूँ कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो. आप कब डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं? जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो. सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है आप अंदर से खुश हो. और इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डार्क नाइट ऑफ सोल. मतलब सेल्फ वर्क, इनर वर्क, आत्मा के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये करोगे तो आप दुख में भी खुशी ढूंढोगे. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि लास्ट 15-20 ईयर्स से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है, मुझे प्रॉब्लम्स लगते ही नहीं है, क्योंकि मैं दिमाग में लेती ही नहीं हूँ. आया है प्रॉब्लम, चला जाएगा. और मेरा मानना ये है कि भगवान सॉल्यूशन पहले क्रिएट करता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं. तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. कैंसर का ट्रीटमेंट है,
ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट है, लेकिन ये आपके कर्म और आपके प्रयास और आपके आत्मा की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पकड़ सकते हो या नहीं, या फिर आपको ऐसे ही लाइफ स्पेंड करना है। पिछले कर्म आप दो तरीक़ों से काट सकते हो, या तो फिर उसको भोग लो, या तो फिर भगवान का नाम लो ताकि वो जल्दी कटे। आशा है आपको ये हिंदी वर्जन अच्छा लगा होगा। और डरिए नहीं, डर को अपने ज़िंदगी से दूर फेंक के बाहर कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए डरिए नहीं। फेयर एक ऐसा चीज़ है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। फेयर ऑफ फ्यूचर, फेयर कि क्या कल क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। बात ये है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो डरिए नहीं। कल का डर, कल क्या होगा, आज में जिए, लिव इन द मोमेंट। तो वो आप अगर करना शुरू करेंगे तो आपका लाइफ बहुत ही ब्राइट होता जाएगा। हम लोग का सादा आधा टेंशन तो इसलिए है कि कल क्या होगा, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, वैसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, और ये सब तभी आप छोड़ सकते हैं जब आप भगवान का रास्ता चुनेंगे। भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, हर धर्म का अलग अलग तरीका बनाया हुआ है। आप अपने इच्छा के अनुसार, फ्रीडम के अनुसार कीजिए और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। स्टार्टिंग के कुछ साल नहीं मिलते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आ नहीं रहे। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे जो पुराने कर्म हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं, कभी कभी, मैं हर किसी की बात नहीं करूँगी, कभी कभी इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। बट डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब मेरे लाइफ के साथ जो हुआ है, मेरे 4-5 साल जब से मैंने ये सब करना शुरू किया, भगवान को एक्सप्लोर करना, ढूंढना क्या है भगवान, कौन है भगवान, क्या होता है उनका एनर्जी, क्या होती है ये पावर, 4-5 साल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो मुझे लग रहा था सिर्फ इसका कुछ, कभी भगवान मुझे आंसर रिजल्ट देंगे या नहीं मेरे इतने सवालों का, पर मिले। 4-5 साल बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद मिले। उसके बाद अभी 15 साल हो गए हैं, मैं छोड़ती नहीं हूँ इस रास्ते को। मैं हर कुछ अपना लाइफ का एंजॉय करती हूँ, इसलिए एंजॉय कर पाती हूँ क्योंकि मैंने उनको पकड़ा हुआ है। अगर आप भगवान को नहीं पकड़ोगे, स्पिरिचुअलिटी को नहीं पकड़ोगे, अल्लाह, ईश्वर, इनको, कुरान जो भी है, इनको नहीं पकड़ोगे तो आप अंदर से खोखले रहोगे। बस इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्प हुआ होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस सुन के किसी को जो कोई प्रॉब्लम में है, आप सुखी रहें, खुशियाँ बांटें, ख्याल रखें और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।